स्वागत है बच्चों आपका अनलर्निंग पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के जेई मेंस लेवल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में। 2013 से 2014 के क्वेश्चन देखेंगे, फिर ऐसे कर करके सब तरीके के 2019 तक के सारे सवाल देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं 2013 के सवाल से। पहला सवाल जो 2013 में आया था वो ये है कि किसी इलेक्ट्रॉन के किसी ऑर्बिट में एनर्जी इतनी कुछ है, आपके लाइट का ऐसा क्या वेवलेंथ डालें जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2। इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 हुआ है तो ये प्रोसेस क्या होता है, इसको एक्साइटेशन कहते हैं। अब फोटोन देना पड़ेगा तभी तो एक्साइट होगा, ऐसे तो एक्साइट होगा नहीं। तो हमारा आया 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 फोटोन आया फोटोन आया फोटोन आया फोटोन आया, एच म्यू एनर्जी का, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2। अब हाइड्रोजन एटम है तो इसकी पहली एनर्जी देख लेते हैं, इसकी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जनरली बच्चे इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे टाइम लग सकता है आपको, जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ उससे आप सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा और दिक्कत भी नहीं आएगी हमारे कई कैलकुलेशन में भी। तो इसमें सिंपल सा है कि फोटोन की एनर्जी कितनी होगी इनके एनर्जी डिफरेंस के बराबर, तभी तो वो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 पे पहुंच पाएगा। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू ई ऑफ फोटोन। अगर इस फोटोन की एनर्जी डेल्टा ई के बराबर होगी तो आपको इसमें करना क्या है, बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है कितनी आ रही है। डबल जीरो डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। अब फोटोन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कितनी हो जाएगी एनर्जी डिफरेंस के बराबर, जो कि कितनी है 10.2 इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम आप निकालो। ये फॉर्मूला तभी लगाना है जिस समय फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, तभी अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और ये फॉर्मूला काम भी आता है, तो इसको याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और हमेशा याद रखें कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा हो या डी एक्साइट हो रहा हो, हमेशा डेल्टा ई जो होगी वो फोटोन के बराबर होगी जिनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। तो लेमडा आपकी आ जाएगी 12400 डिवाइडेड बाय 102 इंटू 1000। हमारे पास वहां पे कैलकुलेशन के लिए इतना टाइम नहीं होता है तो हम 124 अपॉन डिवाइडेड बाय 100 अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। तो इसकी वैल्यू लगभग किसके आसपास आ जाएगी, 1.214 इंटू 10 की पावर -7। तो बहुत आसान सा सवाल था, अप्रोक्सीमेशन से जल्दी आंसर आ जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। आप सवाल भी देखते रहो कि किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन बोहर मॉडल का था, दूसरा क्वेश्चन ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड है कि 4 क्वांटम नंबर का सेट बताना है जो भी रूबिडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब रूबिडियम इसका Z इज इक्वल टू क्या होता है, 37। कई सारे बच्चे तो Z इज इक्वल टू 37 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। आप डायरेक्टली इसका पीरियड नंबर देख लो और उस हिसाब से अपना वैलेंस शेल आ जाएगा। तो हाइड्रोजन, लिथियम, Na, के, हलीना के रब से फरा। तो ये देख लीजिए पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो डायरेक्टली आप इसका वैलेंस शेल क्या बोल सकते हो, 5s1। अब इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर का सेट क्या हो जाएगा, n की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। l की वैल्यू 0 क्योंकि s है, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू हाफ या फिर -हाफ, कोई भी स्पिन हो सकती है। तो उस हिसाब से ऑप्शन क्या आ रहा है अपना, 1। तो बहुत सिंपल सवाल होते हैं क्वांटम नंबर के, जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट बोर ऑर्बिट के एच एटम का के जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके फर्स्ट बोर ऑर्बिट, फर्स्ट बोर ऑर्बिट होता है n इज इक्वल टू 1, ठीक है। एच एटम के लिए है -13.6, जो कि मैंने आपको बोला भी था। एच एटम के लिए शुरुआत की 6 की वैल्यू ध्यान रखेंगे, n इज इक्वल टू 1 की में कितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, n इज इक्वल टू 2 में एनर्जी क्या होती है, 3 में क्या होती है, 4 में क्या होती है, 5 में क्या होती है, उसको ध्यान रखेंगे तो सवाल जल्दी होगा और हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी।
अब फर्स्ट ऑर्बिट की बता रखी है एच एटम में, लेकिन अपन को बताना है इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट क्या हो सकती है, लेकिन किस में, लिथियम प्लस टू में। तो जब कोई दूसरी स्पीशीज होती है तो जो एच एटम होता है उसकी फर्स्ट सिक्स लेवल की आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको बता रहा हूं इसमें जादू कैसे होगा। एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के। तो इसकी जो 13.6 है, अब आपने स्पीसीज बदल दी तो बस जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब आपका ये लिथियम कितना हो जाएगा, लिथियम का एन इज इक्वल टू वैल्यू होता है 3, तो ये इसका हो जाएगा 3 स्क्वायर। ऐसी 3.4 × 3 स्क्वायर −1.51 × 3 स्क्वायर −0.84 × 3 स्क्वायर −0.54 × 3 स्क्वायर। ये 5 होता है, ठीक है। तो लगभग अब अपन से ये भी पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान देखो चालाकी उसने क्या करी है, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट दे दी। इसका मतलब सवाल बहुत अच्छा हो गया। कई बच्चे क्या गलती करेंगे कि ये ग्राउंड स्टेट की भी वैल्यू दे देंगे, गलत है। आपने उसने खास कर बोला है कि एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट की ही एनर्जी बतानी है। तो ये क्या हो सकता है, 3 का होल स्क्वायर, तो लगभग ये 3, ये लगभग 3, तो ये 27 के आसपास, तो ये आप कह सकते हो। अब ये पॉजिटिव में, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता टोटल एनर्जी पॉजिटिव में हो, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट की नहीं हो सकती है। इसका मतलब यही वैल्यू हो सकती है पॉसिबल, ठीक है। 13.6 तो आ ही नहीं सकती, किसी की आ ही नहीं सकती, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो डायरेक्टली आपको ये देखना था −27.2 एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बता रखी है लेमडा नॉट, और इंसिडेंट लाइट की लेमडा बता रखी है। जो भी इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, एक ग्लास ट्यूब वगैरह है, ठीक है, ये फोटोन टकराया, ऐसे 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 इस फोटोन की एनर्जी कितनी है, hc/λ। तो जाहिर सी बात है इसका एनर्जी का कुछ पार्ट तो खर्च हो जाएगा उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस पार करने के लिए, जिसको अपन वर्क फंक्शन कहते हैं। इस वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, hc/λ0, ठीक है। और फोटोन की एनर्जी कितनी है जो कि बता आपको निकालनी पड़ेगी hc/λ से। अब इसमें एनर्जी का कुछ पार्ट तो वर्क फंक्शन में वेस्ट हो जाएगा, बाकी बची कुची एनर्जी किस में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी, ई ऑफ फोटोन अपॉन ई ऑफ फोटोन −5, इसका मतलब कितनी हो जाएगी, hc/λ − hc/λ0। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ½ mv², इसका मतलब v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2hc/m × λ0 − λ/λ0। और ऐसा ऑप्शन किस में आ रहा है, थर्ड। तो बहुत सिंपल सा सवाल था। इसका मतलब आपको एक्सप्रेशन से कभी डरना नहीं है, इस सवाल से हम ये सीखे, एक्सप्रेशन से कभी अपन को डरना नहीं है। जो भी सवाल आ रहा है उसको हंसते मुस्कुराते हुए बिल्कुल अटेम्प्ट करें और घबराएं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है, चार्ज e है, वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिसका रेडियस r है, हाइड्रोजन एटम में खासकर, तो उसकी टोटल एनर्जी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी। टोटल एनर्जी, अब इसमें कई सारे बच्चे तो यही कंफ्यूज हो जाएंगे, सर के का गायब हो गया। तो टोटल एनर्जी होती है kZe² / r। ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान भी रखना है। और बाकी टोटल एनर्जी फिर कितनी हो जाएगी, −kZe²। अब क्या होता है कि k की वैल्यू जो होती है ESU में, मतलब CGS यूनिट में, वो होती है 1। बाकी SI में होती है आपकी 9 × 10 की पावर 9, जो कि आप जानते हो। तो इसमें अपन को CGS वाली यूनिट पुट करनी थी, माइनस Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 E² / r। तो सिंपल था,
बच्चे बस यही कंफ्यूज हो गए थे कि सर के कहाँ गायब हो गया, ये तो जादू हो गया। 6.63 ग्राम वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको बतानी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है? एच अपॉन एम बी। अब एच की वैल्यू लगभग ले सकते हो 6.63 × 10⁻³⁴ अपॉन मास कितना हो जाएगा 6.63 और वेलोसिटी 100। सारी यूनिट वैसे भी एसआई में दे रखी है, एसआई में नहीं दे रखी है क्योंकि मास ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि लैम्डा आपकी मीटर में अच्छे से आए। तो 6.63 × 10⁻³। बच्चे ने यही गलती करी होगी कि उसने केजी में कन्वर्ट नहीं करा होगा जैसे मैंने इसमें आपको करानी। तो ज्यादातर बच्चे ग्राम में पुट कर सकते हैं, अपन को ये गलती पुट नहीं करनी है। हमेशा अगर आप लैम्डा मीटर में निकाल रहे हैं तो ऐसे ही सॉल्व करें, केजी में पुट करें। तो ये 6.63 तो कट जाएगा, ये 10⁻³ आ जाएगा, 10⁻³ + 2 वित्ता हो जाएगा आपका 10⁻³। तो बहुत आसान सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल है कि कोई एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है वो लाइट को छोड़ता है जिसकी फ्रीक्वेंसी लगभग इतनी है, उसके सिंगल फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, अब वो ग्राउंड स्टेट में आया होगा, उसने कुछ फोटोन निकाला होगा, उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? एच म्यू। अपन को फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो एच म्यू। ठीक है, ये जहां से जो भी एनर्जी आएगी वो किस में आएगी? जूल में, क्योंकि ऐसा यूनिट पुट करेंगे। अब इस फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 6.63 × 10⁻³⁴ − 34 × 2.47 × 10⁵। तो ये लगभग 12 के आसपास आ जाएगा, 12 लगभग हो जाएगा। तो और ये हो जाएगा 10⁻³⁴ और 15, तो ये कितना हो जाएगा 19। अब 12 को एक कम ले जाएंगे उस हिसाब से फिर आपकी एनर्जी जूल में कितनी हो जाएगी? ये वाली। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी एन ए एटम की दे रखी है 495.5 किलो जूल पर मोल। लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए होगी जिससे कि ये सोडियम आयनाइज हो जाए? ठीक है, तो आयनाइज होने का मतलब ये है कि Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है और वो Na प्लस में कन्वर्ट हो गया है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं आयनाइजेशन। इसके लिए जो भी एनर्जी लगी है, एक मोल के लिए इतनी एनर्जी लगी है, तो आपने लाइट का कितना फ्रीक्वेंसी डाला है तो हम ये देख के चलेंगे। इसका मतलब एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन इसी के बराबर होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी जो अपन को चाहिए हो वो इसी के बराबर होनी चाहिए, जो कि कितनी है 495.5 किलो जूल पर मोल। लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही आपको लिख दिया है कि 1 मोल फोटोन की मिनिमम एनर्जी इतनी होनी चाहिए। इसको आप डायरेक्ट बराबर कर दो। अब फोटोन कितने डाले हैं 1 मोल के हिसाब से देखेंगे, तो 6.022 × 10⁻², एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एच म्यू। तो 6.63 लगभग 10⁻³⁴ × μ मिनिमम, क्योंकि एनर्जी मिनिमम है इतनी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम इतनी चाहिए होगी, तो
आप इसको सॉल्व कर दो। ध्यान रखना इसको किलो जूल को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, क्योंकि ये किलो में है। इसको अच्छा, ये फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू एन एच, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है, जिसमें एन क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स जो भी आपने डाले हैं, एच तो आप जानती हो और म्यू भी आप जानते हो, फ्रीक्वेंसी। तो इससे सिंपल आपका म्यू मिनिमम आ जाएगा, ये लगभग आप कैलकुलेट कर लेना है तो बहुत सिंपल सा है। तो 36 को डिवाइड कर दो 49 के आसपास, उस हिसाब से फिर आंसर निकाल लो। फिर ऐसा मान लेते हैं 500 अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी हो तो 500 अपॉन 36 लगभग इतना है, 1 पॉइंट के आसपास आ जाएगा। तो 10 की पावर 3, 23, 23, 34, 12 ऐसा समथिंग कुछ आ जाएगा, तो ये 15 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है अपन को, जल्दी जल्दी वैल्यू निकालनी है अपन को, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में अपन देखेंगे कि 2015 और 16 के क्या सवाल थे। तो आप देख सकते हो कि काफी सारे सवाल तो काफी कॉमन थे, कि जैसे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, इन सबसे सवाल पूछे गए, और बाकी बोहर मॉडल, क्वांटम नंबर से तो एक ही सवाल देखा है आपने। धीरे धीरे कर करके अपन सारे और भी सवाल देखेंगे तो पता चलेगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही आप अनलर्निंग पाठशाला को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियो के लिए बिल्कुल अच्छे से इंतजार कीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो और भी अच्छा होने वाला है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए।